नमस्कार, समाचार प्लस की खास बुलेटिन समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभा शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको झारखंड और बिहार की तमाम अहम खबरों से रूबरू करवाते हैं, तो चलिए देखते हैं। देवघर में क्रिसमस से पहले क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से पिछले दो सालों से इसका आयोजन बंद था, लेकिन इस साल अलग अलग जगहों पर क्रिसमस गैदरिंग का आयोजन किया जा रहा है। स्कूली छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया है। हालांकि संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए गैदरिंग में तमाम तरह की सावधानी बरती जा रही है। जमशेदपुर में निर्दलीय विधायक सरयू राय के जीत के दो वर्ष पूरे होने पर आभार दिवस मनाया गया, जहां रामचरितमानस के साथ सुंदरकांड कराया गया। इस आयोजन में हजारों की संख्या में जिलेवासी शामिल हुए। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं कलश यात्रा कर यहां पर पहुंची और सुंदरकांड में अपना भागीदारी निभाई। साथ ही विधायक सरयू राय झाल ढोल और अन्य संगीत के साथ सुंदरकांड में हिस्सा लेते दिखे। नवादा में एनएसयूआई के नेताओं ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कराने को लेकर पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में शामिल नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर महिलाओं के लिए विशेष महाविद्यालय खोलने और प्रत्येक कॉलेज के अंदर हॉस्टल की व्यवस्था करने समेत कई मांगे सरकार से की गई। पलामू गढ़वा जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बगमनवा नदी के दोनों किनारों पर कोयले का अवैध खनन जारी है। बावजूद इसके इस पर सरकार मौन दिख रही है। ग्रामीणों की माने तो प्रशासन की मिली भगत से ये काम हो रहा है। जानकारी के अनुसार कोयले के धंधे में लगे लोग यहां से अवैध खनन कर कोयला पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के हुंटार पिकेट के समीप डंप करते हैं। वहां से उसे चैनपुर, रामकंडा व रामगढ़ थाना क्षेत्र में संचालित चिमनी व बंगला ईटा भट्टों में बेचा जा रहा है। सहरसा से रिश्ते को शर्मसार करने वाली खबर आई है। सदर थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में घरेलू विवाद में अपने सगे भाई ने छोटे भाई को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। गुमला में सरकार एक ओर शहर से लेकर गांव तक और गांव के गलियारों में सड़क बनाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर सड़क नहीं बनने से नाराज आक्रोशित ग्रामीणों ने गुमला, सिमडेगा, रांची, जशपुर, लोहरदगा मेन रोड को जाम कर दिया है। वहीं दो घंटे मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया गया। इस दौरान बस और लंबी दूरी की बसें रुकी रही, जिससे यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मामला शहर से सटे करमटोली वासदी कासिर मुख्य पथ का है, जहां झारखंड बनने के बाद आज तक सड़क नहीं बन पाई है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही ताज़ातरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।